ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का डेरिवेटिव क्या होगा, आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का जो डेरिवेटिव होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही होता है। तो इसके लिए कुछ मेन फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का डेरिवेटिव फॉर्म में आपको जानना होगा, जैसे कि साइन एक्स है, इसका हमें डेरिवेटिव जानना है, जैसे ये साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। वाई इक्वल टू कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय डी एक्स साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन। इसी प्रकार से अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। इफ y इक्वल टू sec x हो तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड अपॉन डी एक्स, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। अगर cot x के डेरिवेटिव की बात करें तो cot x का डेरिवेटिव डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस cosec स्क्वायर एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब y इज इक्वल टू लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर cosec x तो cosec x का dy अपॉन dx जो वो माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ये छह मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और उनकी ये डेरिवेटिव है। कोई आपसे पूछे साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस प्रकार से सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनों का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही होता है। इसको आप फॉर्मूले के बेस पर याद करेंगे सभी को आप नोट करेंगे, इसको फॉर्मूले के बेस पर याद करेंगे। अब यहाँ जो भी साइन का जो थीटा है वो एक्स है, कॉस का जो एंगल है वो तो आपका एक्स है थीटा, टैन एक्स है, कॉसेक एक्स है, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स। एक्स इस फंक्शन को हमने एक्स को एक्स में डेरिवेटिव निकाला है तब जाकर के कॉस एक्स है। अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर थीटा आएगा, अगर यहाँ पर टी है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ टी आएगा। जो थीटा जिस फॉर्म में होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। इसकी चर्चा जो है हम एग्जांपल के तौर पर करेंगे।
पहले आपको ये फॉर्मूला बेसिस के तौर पर पहले नोट कर लेना है।